अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ हदीका क्यानी की एक और वायरल वीडियो शेयर करेंगे जो कि उनकी वालदा के साथ है। वो अपनी वालदा की खिदमत करते हुए एक और उन्होंने वीडियो बनाई है जो कि उन्होंने अपने मदाहों के साथ शेयर की है। इससे पहले एक वीडियो जो कि हदीका क्यानी की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, उसमें हदीका क्यानी ने अपने बर्थडे पर अपनी वालदा से कहा था कि आपों ने उसे बोलने पर मजबूर किया था। बताते चले कि हदीका क्यानी की वालदा बहुत ज़्यादा बीमार है, वो चलने फिरने से कासिर हैं और बोल भी नहीं सकती, जिस पर हदीका क्यानी बहुत ज़्यादा उनकी केयर कर रही है। तो सारी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, और अगर आप को मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अच्छा जी, मैंने तकरीबन 7 ऑयल जो है ना वो इसमें मिक्स किए हैं, तकरीबन 7 ऑयल्स आप कह सकते हैं। ये ई ऑयल मैं लगा रही हूँ, विटामिन ई ऑयल है, बहुत ही जबरदस्त होता है। क्या जी मामा जी? आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, सरसों का ऑयल, और क्या है जी इसमें, मोरिंगा ऑयल भी है और आंवला भी है इसके अंदर, आंवला। तेल लगवाना कोई खास पसंद नहीं है मेरी अम्मा जी को? पसंद नहीं, मुझे ना पसंद है, लेकिन मेरे हाथ तो अम्मी आपको अच्छे लगते हैं ना, हाथों की वजह से ही तो लगवा रहे हैं। अच्छा सा मसाज कर रही हूँ ताकि आपके बालों में अच्छी सी सर्कुलेशन जाए अम्मा, ठीक है? सॉफ्ट सा, अब अच्छा सा मसाज तो मैंने कर दिया। अब सारे मसाज टेक्निक्स तो नहीं मैं बता सकती, बट ये है कि ये एक टर्बी ट्विस्ट सी चीज है, मैंने गर्म पानी रखा हुआ है उसमें मैं ये डबो के इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के, इससे तो और भी ज्यादा मजा आता है। कि जिस टाइम ऑयलिंग होती है उस टाइम फिर अम्मा के पांव जो है वो गर्म पानी के अंदर हम डाल देंगे, उसमें सीधी के सीधी टब में आ जाओ उसमें जी ये है सी सॉल्ट्स कुछ, ये आपके हाथों का टाइम आ गया। दूसरा भी इसके अंदर थोड़ा सा डिप कर लें। आई थिंक बेस्ट वे टू स्पेंड टाइम इज द टाइम दैट यू स्पेंड विद योर लव्ड वंस, है ना? तो इस टाइम को तो ऐसे ही गुजारना चाहिए। बेटा मैं तो ये कहती हूँ, खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदा अगर बेटी दे तो मेरी बेटी जैसी, हदीका जैसी। 14 साल हो गए ये बच्ची थकी नहीं, मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदाया मेरी बेटी की खातिर ही मुझे इस काबिल कर दे कि मैं ठीक हो जाऊँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि इसको देख के मैं थक जाती हूँ। इतनी ये मेरे एक एक पल मैं साथ इस तरह गुजार। माँ मेरी बात सुने, आप मुझे ये बताएं कि आप थकती थी मुझे जब मेरा ख्याल करती थी जब मैं छोटी थी, तब आप बच्चा थी इतना छोटा होता है, मैं छोटी तो नहीं हूँ अब नहीं, लेकिन आप थकती थी। जब माँ बाप नहीं थकते तो फिर औलाद क्यों थके? माँ नहीं थकती कभी, तो फिर औलाद को भी नहीं, माँ तो जिंदगी भर नहीं थकती अपनी। हाँ मैं भी फिर माँ हूँ ना, मैं भी नहीं थकती, मैं क्यों थकू? हाँ अब तो 14 साल से मेरी माँ की तरह, मुझे माँ भी शायद इतना टेक केयर नहीं कर सकती जितना आप कर रही हैं। खुदा ना करे कि मैं कभी थकूं। खुदा का शुक्र बेटा, खुदा ने मुझे आप जैसी बेटी दी। खुदा अगर बेटी दे तो इन जैसी दे, लाख दफा। अगर तू मेरी इतनी केयर नहीं करती तो शायद मैं इतना सर्वाइव ही नहीं करती। सर्वाइव तो सब करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और ये आजमाइशें जो होती हैं सब हो जाती हैं सही। अल्लाह मियां जब इन आजमाइशों में डालता है तो फिर इन आजमाइशों से गुजारता भी है, और उन्हीं को डालता है जो उसमें से गुजर सकते हैं। चलें जी,